नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज। क्षितिज में जो हमारा अध्याय है आठवां, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये काव्यखंड का अध्याय है आठवां। और इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित जो कविता है झांसी की रानी, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा भारतीयों में एक नई चेतना जागृत करने के लिए लिखी गई है, तो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अब पहले हमने इसके जो 6 भागों का अध्ययन किया है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का वर्णन किया गया है, उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया और नाना साहब पेशवा बाजीराव जो है, नाना दुदुपंत पेशवा बाजीराव द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है, युद्ध प्रारंभ किया गया, तो उसमें किस प्रकार से रानी ने अपना योगदान दिया है, तो उसका वर्णन हमने पहले पढ़ा है। अब जो हम पढ़ रहे हैं भाग 7 में, अब हम जो नाना दुदुपंत और पेशवा बाजीराव द्वारा आरंभ किया गया जो स्वतंत्रता आंदोलन है, स्वतंत्रता संग्राम है, उससे आगे बढ़ते हुए जो झांसी में युद्ध हुआ था, तो पहले तो हमने सभी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब जो झांसी में क्या हुआ है और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार से युद्ध किया है अंग्रेजों के साथ में, और किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिया था, तो उनको युद्ध में हरा दिया। तो आगे जो इस अध्याय में, इस भाग के अंदर 7वां जो भाग है, इसमें हम उनके द्वारा जो किया गया कार्य है लक्ष्मीबाई द्वारा, जिसमें अंग्रेजों को हराया गया, परास्त किया गया, तो उसका हम वर्णन पढ़ रहे हैं। पहले तो हमने जो स्वतंत्रता संग्राम जो यज्ञ था वो प्रारंभ किया गया, उसमें नाना दुदुपंत, पेशवा बाजीराव और अन्य जो सैनिक थे, जो वीर सैनिक थे, उनका जो जीवन की आहुति जो इस स्वतंत्रता आंदोलन में दी गई, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मीबाई द्वारा जो झांसी में अंग्रेजों के साथ में जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन। तो इसमें कवित्री कहती है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अब इनकी गाथा, अब किनकी गाथा, और नाना दुदुपंत और पेशवा बाजीराव और अन्य जो वीर हैं, उनके द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम रूपी जो यज्ञ चलाया गया था, उसको छोड़कर हम जो है अब झांसी के मैदान में जा रहे हैं, और झांसी के मैदान में जहां अंग्रेजों की सेना जो है लक्ष्मीबाई की सेना के सामने खड़ी हुई है और युद्ध जो है वो हो रहा है, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहां वे लक्ष्मीबाई जो है वो मर्दों के समान मर्द बनी हुई मर्दानों के बीच में, मर्दों के बीच में, पुरुषों के बीच में खड़ी हुई है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ बंद आसमानों में। अब इसमें कवित्री कहती है कि लेफ्टिनेंट वॉकर जो है वो आ चुका है, तो वह सोच रहा है कि नारी जो है उसको शीघ्रता से जीता जा सकता है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि वह तो एक वीरत्व की मूर्ति है, वीरांगना है, तो उसको जो जीत पाना काफी कठिन है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। अब लेफ्टिनेंट वॉकर जो है वो वहां पे मैदान में आ चुका है, झांसी के मैदान में आ चुका है, और आगे बढ़ा जवानों में, जवानों मतलब सैनिकों में, और वह सैनिकों में आगे जो है बढ़ते हुए रानी झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई, तो उसे युद्ध कर रहा है, लेकिन उसी समय रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जब वह आक्रमण करता है लक्ष्मीबाई के ऊपर, तो रानी भी तलवार खींच लेती है, अर्थात तलवार उठा लेती है, युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। हुआ द्वंद आसमानों में, द्वंद का मतलब युद्ध, तो आसमान जिनमें कोई समानता नहीं है, और समानता कैसे, क्योंकि एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ स्त्री है, तो इस प्रकार से दोनों में समानता नहीं है। आसमान, आसमान के बीच में जिनमें कोई समानता नहीं, ऐसे जो आसमान है उनके बीच में युद्ध हो रहा है। अब देखिए, पुरुष जो है एक स्त्री के साथ में युद्ध कर रहा है, और एक स्त्री जो है किस प्रकार से अपनी जो वीरता है उसका प्रदर्शन करती है। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। अब जो वॉकर जो है वो आया था कि एक नारी जो क्या कर सकती है, पुरुषों का सामना कैसे कर सकती है, लेकिन उसको हैरानी उस समय हुई जब वह जख्मी हो गया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रहार से। जब रानी झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उसने अपने तलवार से वॉकर को जख्मी कर दिया, तो वह हैरान होते हुए वहां से भाग गया, और उसको अत्यंत हैरानी हुई कि एक जो स्त्री है वह भी पुरुषों के समान
अपनी वीरता जो है प्रदर्शित कर सकती है, जबकि उसने जो है असहाय जो स्त्री है उनको ही देखा था, जबकि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है वह साक्षात वीरता की जो एक मूर्ति कह सकते हैं मूर्ति थी। बुंदेले हर बनों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने सुना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तव में एक मर्दानी थी जिसने अंग्रेजों का सामना किया है, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मित सुमुख था उसने मुंह की खाई थी। अब पहले तो वो लेफ्टिनेंट वकुर को हरा दिया, भगा दिया वहां से, लेकिन यह जो जीत है उसके बाद में अंग्रेज चुप नहीं बैठे हैं, बल्कि उन्होंने जनरल स्मिथ को वहां पे भेजा है सेना देकर। तो विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। जब ग्वालियर में लेफ्टिनेंट वॉकर को हरा दिया गया तो ग्वालियर के अंदर जो है जनरल स्मिथ जो है वो अपनी सेना को लेकर आ जाता है विजय मिली पर। अब विजय तो मिली है पर मतलब संशय आ रहा है इसमें, अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी लेकिन फिर अंग्रेजों की सेना वापिस आ गई है। अब किसके समर्थन में आ चुकी है, किसके नेतृत्व में आई है, तो जनरल स्मिथ के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों की सेना जो फिर से आ चुकी है और जनरल स्मिथ जो है अपनी सेना को लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सामने खड़ा है, उसने मुंह की खाई थी, लेकिन जनरल स्मिथ को भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हरा दिया है। अब इसको जनरल स्मिथ को हराने में जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उसकी जो दो सहेलियां थी जो बचपन से उसके साथ में रहती थी कान्हा और मुंद्रा, ये मुंद्रा जो है तो ये दोनों जो सहेलियां हैं ये भी काफी युद्ध कला में पारंगत थी, तो ये भी उसके साथ में थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ में थी उनके साथ में। अब कान्हा और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी, अब झांसी की रानी जो है उनके साथ में उनकी जो दो सखियां हैं कान्हा और मुंद्रा वे भी युद्ध क्षेत्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ में थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। अब जिस प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कला में निपुण थी उसी प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो सखियां हैं सहेलियां जो है कान्हा और मुंद्रा तो वे भी युद्ध कला में निपुण थी और जिन्होंने युद्ध क्षेत्र के अंदर अत्यंत ही भारी मार मचा रखी थी, अंग्रेजी सैनिकों को जो है काफी जो है आघात पहुंचाया था। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। अब अंग्रेज जो चुप बैठने वाले नहीं थे, उनके पास में काफी विस्तृत सेना थी और वहां के जो भारतीय जो कुछ राजा जो थे नवाब जो थे उनका समर्थन भी अंग्रेजों को प्राप्त था, जिसके कारण से अंग्रेज जो है बार बार हमला कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, लेकिन दो बार हरा दिया है। अब पर पीछे हीरोज आ गया हाय गिरी अवरानी थी। अब पीछे से हीरोज जो है वो आ गया है जो कि एक अंग्रेजी शासक कह सकते हैं सेनापति कह सकते हैं वो था, तो वह पीछे से आता है। अब पहले जो आया है लेफ्टिनेंट वॉकर आया उसको हरा के भगा दिया, उसके बाद में जनरल स्मिथ जो आया है तो उसको भी हरा दिया परास्त कर दिया, लेकिन अब रानी के पास में अत्यंत बड़ी सेना नहीं थी क्योंकि दो बार युद्ध करने के बाद में कुछ जो सैनिक हैं वे रानी के भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसी बात का फायदा उठाते हुए पीछे से जो हीरोज है वो सेना लेकर आ जाता है हाय गिरी अब रानी थी। अब देखिए कितना अधिक वेदनापूर्ण दृश्य है कि एक औरत जो है एक नारी जो है उसको हराने के लिए अंग्रेजों की जो बड़ी सेना है वो आ चुकी है और बार बार उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, तो ऐसी जो वेदना है वो कवित्री द्वारा से प्रकट की गई है कि हाय गिरी अब रानी थी कि अब पीछे से हीरोज आ गया, अब युद्ध हो रहा है दो के बीच में स्मिथ और इनके बीच में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बीच में, लेकिन पीछे से जो है वो हीरोज है जो है वो सेना लेकर आ रहा है, तो बीच में वो झांसी की रानी जो है वो गिर जाती है चारों तरफ से गिर जाती है। बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब कवित्री कहती है कि दोनों तरफ से गिर जाने के बावजूद भी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया है, संयम को नहीं खोया है और उन्होंने डटकर उसका सामना किया है, ऐसा बुंदेलखंड किया मैंने जो है हर बोलों के मुंह से सुना है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि वास्तव में मर्दों के साथ में युद्ध करने वाली झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है वह वास्तव में मर्दानी थी जिसने हर प्रकार से अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया है और उनसे वे पीछे नहीं हटी हैं, जब तक उनकी श्वास में श्वास थी शरीर में श्वास थी
तो उन्होंने हर प्रकार से अंग्रेजों का डटकर मुकाबला जो है वो किया है। अब देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ ओजगुण जो भाव है, वीरत्व का जो भाव है, ओजगुण जो है वो इसमें दृष्टव्य है, क्योंकि इसके माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवित्री ने भारतीय जो चेतना है उसको जगाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ की जो वीरांगनाएं हैं उन्होंने भी हर प्रकार से अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का डटकर मुकाबला किया है, तो क्यों नहीं हम भी, हम अपने देश को आजाद करवाने के लिए, स्वतंत्र करवाने के लिए हम भी अपने अंदर उसी भावना को जागृत करें जो कि हमारे यहाँ के जो पुरुष हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके बीच में किस प्रकार के भाव रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हर प्रकार से मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए अपना सर्वस्व जो है वो बलिदान कर दिया, तो उसी भाव को लक्षित करने का प्रयास कवित्री द्वारा यहाँ किया गया है। तो आगे का जो भाग है उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हीरोज द्वारा जो आक्रमण किया जाता है, तो रानी और हीरोज के बीच में जब युद्ध होता है तो किस प्रकार की स्थिति रहती है, उसका जो अध्ययन है वो हम आगे के भाग में करेंगे। तो इस प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरत्व की जो भावना है भारतीय जनमानस के बीच में जगाने का प्रयास किया है, और ये काफी हद तक सार्थक भी रहा है। तो आशा है कि आपको ये जो भाग है सातवां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।